जितनी भी आपको रिक्वायर्ड हो, एक दो तीन चार, एक जना एक चाप पूरी खा लेता है। मुझे सिर्फ चार चाप की रिक्वायरमेंट है क्योंकि दो या तीन लोग ही खाने वाले हैं। डंडी समेत ही तल में जीरा, हींग और प्याज, दो मीडियम साइज प्याज है। आप इसे बारीक चॉप कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो, बाकी अलग से भी अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे, तब तक भूनते रहना है। ईजिली रिमूव हो जाएंगी। सब कुछ ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लो, चाहो तो आप स्टिक के साथ डाल सकते हो। स्टिक के साथ डालोगे तो आपको चिकन लॉलीपॉप जैसी फील आएगी कि आप नॉनवेज खा रहे हो, जो कि मुझे ये फील नहीं चाहिए। एक चम्मच धनिया पाउडर जब प्याज पूरे भुन जाए। तेल अच्छी क्वांटिटी में लेना है और तीन मीडियम साइज टमाटर पिसे हुए फाइन प्यूरी। एक बड़ा पर्ची दही, अभी टमाटर पूरी तरह भुने नहीं है, मैंने इसी स्टेज पे सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच लाल मिर्च तीखे वाली और एक चम्मच नमक बेस्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक चम्मच देगी मिर्च, एक चम्मच सोया चाप मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चम्मच काफ़ी है मसाला। एक चम्मच शेजवान चटनी, शेजवान चटनी भी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हो, शेजवान चटनी हो सॉस ना हो। इन सारे मसालों को मिक्स करना है। अगर आपको रेड कलर चाहिए तो आप इसमें हल्दी ना डालें, और अगर आपको ऑरेंज कलर चाहिए तो इसमें आप आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हो, हल्दी इज ऑप्शनल। तेल जब छोड़ देगा आपका पेस्ट, उस पेस्ट पर तेल छोड़ने के बाद आप गैस ऑफ करके दही ऐड कर सकते हो। टमाटर के पेस्ट ने पूरा तेल छोड़ दिया है, यही स्टेज है जिसमें हम दही ऐड करेंगे। मैंने गैस ऑफ कर दी है और मुझे रनिंग हैंड से दही को फेंटते जाना है। वैसे तो दही पूरी तरह पिस चुकी है, बट स्टिल मुझे रनिंग हैंड यूज़ करना है ताकि दही फटे ना इसमें घी के। ये फेंट के पूरी तरह मर्ज हो जाएगी, उसके बाद मैं दोबारा गैस ऑन कर दूँगी। पूरी तरह मर्ज हो चुकी है दही पूरे पेस्ट में, अब मैं इसकी गैस दोबारा ऑन कर लूँ। अब ये पेस्ट भी आपका ऑयल छोड़ देगा, तब तक आपको भूनना है। ये
दही में भी तेल छोड़ रही है, आप देखिए अभी कितना ज़्यादा तेल मैंने डाला है, ये छोड़ दिया इसमें। अब मैं इसमें एक गिलास से सवा गिलास के बीच में पानी डालूंगी। इसे अच्छा सा बॉईल आने के बाद मैं इसमें चाप ऐड कर दूंगी। इस स्टेज पे हम चाप ऐड कर देंगे। ये चाप सारी मैंने ऐड कर दी है। अब मैं इसे ढक कर 15 मिनट तक सिम गैस पर रख दूंगी। ये हमारी चाप रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। आप इस पर धनिया डाल सकते हैं आपकी इच्छा है। छोटी सी टिप है एक चाप बनाने से पहले, आप जब भी इसे खाना चाहते हैं, अगर आप डिनर में खाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे इवनिंग में बनाएं। अगर आपको ये 8 बजे खानी है तो आप इसे 5 बजे बना के रख दें। 2-3 घंटे पहले बनाने से ये होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाएगी, आपको इसे और नहीं पकाना पड़ेगा। ये चाप रेडी हो चुकी है। चाहो तो इसके थोड़ा सा बटर डाल सकते हो। चाप हम जब भी बनाते हैं थोड़ी ऑयली बनाते हैं। ये ऑयल भी आपको 2-3 घंटे बाद नहीं दिखेगा, सारा ऑयल इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ऑयल ऑप्शनल है, आपको कितना डालना है ये आपकी मर्जी पर है।